हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आज ऑफिशियली हमारे पास जेई मेन्स एंड नीट की डेट्स अनाउंस हो गई हैं फाइनली। ये वीडियो उसी पर रहेगा कि क्या हमारी जेई मेन्स एंड नीट की यहाँ पर डेट्स थी और क्या फुल एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना चाहिए, कब है आपका पेपर, है ना। और उसी तरीके से ये वीडियो हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले चलिए, टाइम वेस्ट करे बगैर सबसे पहले चलते हैं जेई मेन्स 2020 की डेट्स पर। तो जैसा कि आप जानती हैं, जेई मेन्स में शिफ्ट होती हैं, एक बार में पूरा पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाता है, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या डेट्स आई हैं, 18 से लेकर 23rd ऑफ जुलाई। जी हाँ गाइस, 18 से लेकर 23rd ऑफ जुलाई यहाँ पे हमारे पास डेट्स आ गई जेई मेन्स 2020 की। और एग्जैक्टली आपके पास, अगर आज का दिन हम हटा देते हैं तो आपके पास 74 डेज रहते हैं, एंड आज का दिन ऐड करके आपके पास 75 डेज रहते हैं ऑब्वियसली। इसके आगे का प्रोसीजर यार, आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड्स और जो भी हमारा सेंटर वगैरह का है, वो आप एनटीए की वेबसाइट पे, जेई मेंस वाली एनटीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जो भी है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ डेट्स के बारे में कि हमारे यहाँ पे डेट्स आई हैं 18 से 23 जुलाई। गाइस याद कर लीजिए इन डेट्स को, और 74 डेज आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली बचे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं हमारे पास नीट के ऑफिशियल डेट्स पे गाइस। सो आर यू गाइस रेडी? ऑलराइट। सो जी हाँ गाइज, नीट यूजी की डेट्स आई हैं 2020 की, और जो डेट है गाइज वो है यहाँ पे 26th ऑफ जुलाई। सो नीट वालों का भी काफ़ी ज़्यादा वेट चल रहा था कि हमारी कब आएगी डेट्स, बिकॉज नीट तो एक ही बार होता है, राइट। सो उनका यहाँ पे डेट आया है कि 26th ऑफ जुलाई को उनका यहाँ पे पेपर होने वाला है। और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑब्वियसली सब कर सकते हैं इसे, एग्जैक्टली 82 डेज लेफ्ट अगर आप आज का दिन हटा देते हैं तो, एंड अगर आप नहीं हटा देते तो आपके पास 83 डेज यहाँ पर बचे हैं। सो गाइस यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बोथ जेई मेन्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स हैं, एंड नीट वाले कैंडिडेट्स, वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इन 80 डेज में और मे बी 75 डेज में, है ना। तो देखते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए इस टाइम पे। सबसे पहली बात तो यार, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं तो। आई होप आपने कर ही ले होंगे, है ना, बिकॉज आप ऑब्वियसली लेट होने की तो वेट नहीं कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। आपने अप्रैल के सोच के ही सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अटैम्प्ट कर लिए होंगे, आई होप सो, है ना। तो आप इनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से। आप मॉक पेपर दे सकते हैं अब यार, लाइक हर ऑल्टरनेट डे पे आप एक 3 आवर्स का पेपर दे दीजिए और उसको 2-3 घंटा एनालाइज करिए कि मैंने कहाँ गलती करी, मेरा क्या क्या यहाँ पे वीक सेगमेंट था, और उस वीक सेगमेंट को उस दिन पढ़िए, है ना। उससे आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। तो इम्प्रूव अपॉन वीक एरियाज़। यार देखो, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन वीक एरियाज़ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मतलब बहुत वीक क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते कई बार, या फिर ईजी क्वेश्चन कर लेते हैं, मीडियम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आप उन एरियाज़ को इम्प्रूव करिए जिससे कि आपका ओवरऑल मीडियम क्वेश्चन ज़्यादा बने आपसे, है ना। बिकॉज मीडियम क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, एंड मीडियम वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होते हैं जनरल बात करें तो। तो आप उन्हें इम्प्रूव करिए जिससे कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन फिर आपके बनने लग जाएँ और आपकी उससे रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर भी कर सकते हैं आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे कि उन्हें भी इसका इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो सके, है ना। और सब ने डेट्स को देख ही लिया ऑब्वियसली, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जेई मेन्स की हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं 18-23 जुलाई और 74 डेज लेफ्ट, एंड नीट की हमारे पास यहाँ पे डेट 26th जुलाई एंड 82 डेज यहाँ पे लेफ्ट हैं आज का दिन छोड़ के, राइट। सो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं, और होप कि आपका सारा नीट एंड जेई सारा अच्छा जाए, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।